हमारे सभी इस पंचायत के और आसपास के पंचायत से आए हुए सारे बड़े बुजुर्ग, सारे पंचायतवासी, सारे युवा उद्यमी और इस देश के, इस पूर्णिया के भविष्य, छोटे छोटे नौनियाल बच्चे कुछ गोद में हैं और कुछ यहाँ पे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमारे मीडिया के साथीगण, आप सब लोग को लग रहा होगा कि ये 80 से ज़्यादा जो अभी तक हो चुके हैं जनसंवाद, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप सबका एक परिवार है और उस परिवार में हर तरीके के लोग हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और हम लोग परिवार में एक साथ बैठते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे और आगे के भविष्य में हम कैसे और उसको ऊंचाइयों पे ले जाएं। हम खेती किसानी कर रहे हैं तो कैसे आगे ले जाएं, हम कुछ काम धंधा कर रहे हैं तो कैसे आगे ले जाएं, और ओवरऑल क्या रहता है परिवार में बैठते तो क्या रहता है कि खुशहाली ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए। उसी तरीके का अगर पूर्णिया के पूरे इस जिले को देखा जाए तो हमारे लिए, पूरे जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों के लिए, भाव सकारात्मक होना चाहिए और निगाह उस समस्या के समाधान पर होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहें कि तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी, तुम्हारे कारण ये काम नहीं हो रहा। अगर अभी किसान बंधु थे और वो कहें कि अरे हमारा ये कमी है, आपके कारण नहीं हो रहा, मैं कहूँगा कि अरे आपके कारण नहीं हो रहा, आप काम नहीं करते, तो इसका समाधान नहीं हो सकता। समाधान समस्याओं के आइडेंटिफिकेशन, पहले पहचानना है क्या समस्या है, जो अभी जैसे बताया गया, और उसके बाद मिल बैठ के उसका समाधान ढूंढने पे, यही तो है, तो यही करने हम लोग आए हैं, ये समझना चाहिए। उद्देश्य ये है कि जैसे एक परिवार में समस्याओं का सुलझाते हैं और आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाते हैं, पूरा पूर्णिया एक परिवार है, हम सब लोगों का एक बड़ा परिवार, और उस परिवार में समस्याओं का समाधान करके हम लोग आगे कैसे इसको ले जाएं, राज्य सरकार की विभिन्न जो स्कीम्स हैं, लगातार दिन रात जो प्रयास चल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करके कैसे करें। दूसरी बात यह है, फिर उसी परिवार की मैं परिकल्पना करूंगा कि एक बच्चा हो सकता है बड़ा पढ़ाकू हो, मेधावी हो, और उसी का छोटा भाई जो है, आपका दूसरा बच्चा जो है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो, आपको ऐसा लगता हो कि ये तो बड़ा कमजोर है, क्या आप उसको छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते, उसको भी चाहते हैं कि जो मेधावी बच्चा है उसकी तरह आगे ले। लेकिन सतत जीविकोपार्जन के अंतर्गत जब उनको पैसा दिया गया तो आज उन्होंने अपना दुकान खोला और दुकान खोलने के बाद अब रोजगार भी कर रही हैं, उसके बाद बकरी पालना शुरू किया और क्या धीरे धीरे ऐड करती चली गई, आज अपने बच्चे को खुद से पढ़ा रही है, कितनी बड़ी बात है। और एक मजदूरी करती थी, वहां से इतना बड़ा ट्रांजिशन, मजदूर से मालिक बनने का सफर है एक योजना के लाभ से। तो बस यही हम लोग बताना चाहते हैं कि जो सबसे नीचे तबके के भी लोग हैं उनको भी कैसे ऊपर लाएगा। जो दूसरी एक बात है, अभी बहुत सारी बातें ये हैं, आप देखेंगे बदलाव समाज में तभी हो सकता है, ये बार बार रिपीटेडली ये माना जाता है, जब तक महिलाओं का विकास, कहा जाता है कि एक पुरुष को पढ़ाइए तो एक पुरुष पढ़ता है, लेकिन एक महिला को पढ़ा दीजिए तो पूरा का पूरा परिवार पढ़ता है, ये बहुत बड़ी बात। और आप देखिए कि एक महिला को अगर आत्मनिर्भर बनाया गया तो वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को आप आज अच्छे से पढ़ता हूँ। एक बड़ा बदलाव है सोसाइटी में और हम सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए और आप लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए सभी लोग, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें दीदियों ने बताई, बहुत सारे लोग चाहती होंगी बोलना लेकिन समय अभाव में नहीं बताई, लेकिन आप सब लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो दूसरी बात आई, हम सब लोग को यह समझना चाहिए कि पूर्णिया जिला जो है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई कार्य है जो करते हैं वो कृषि का कार्य है, और कृषि जब आगे बढ़ेगा तभी उसी में समाधान निहित है, क्योंकि जो आय का साधन है वो तो किसानी है, खेती किसानी है, तो हमको